वहीं अब यूसीसी पर निर्दलीय विधायक उमेश कुमार का बयान सामने आया है। विधायक उमेश कुमार ने कहा कि इस कानून को राज्य में लागू करने से पहले सदन में सभी विधायकों के साथ विस्तृत चर्चा होनी चाहिए, लेकिन इसको लेकर विपक्ष के साथ ना कोई चर्चा हुई और ना ही कोई सुझाव मांगे गए। ये बिल बहुत सारी निजता का हनन करता है। हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन सुझाव लेना भी जरूरी है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। कैबिनेट देखिए, मुझे लगता है कि अगर कोई चीज़ कोई नियम पूरे प्रदेश पर लागू करने जा रहे हैं आप, 1.5 करोड़ की जनता पर आप किसी चीज़ को लागू करना चाहते हैं, तो आपको पूरे सदन की इस पर सहमति लेना आवश्यक है, सभी की राय लेनी चाहिए। हो सकता है कि हम लोग कुछ बेहतर और सुझाव दे सकें। बहुत सारी इस में ऐसी चीज़ें हैं जो निजता का भी हनन करती हैं, और इसके अलावा मुझे लगता है कि अभी इस पर ना तो विपक्ष के साथ चर्चा की गई, ना हम लोगों से कोई राय ली गई, और सीधा बता दिया कि हमने ये बिल बनाया। भाई, ये कोई ऐसा नियम तो है नहीं कि आप किसी को छूट दे रहे हैं या कोई सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं।